हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। चौधर किसे अच्छी नहीं लगती, मात्र चंद पैसों में अगर चौधर मिले तो फिर कानून की किसे परवाह। जी हाँ, बिना परमिशन दूसरों को लाल और नीली बत्ती पर चालान काटने वाली करनाल पुलिस खुद इसका मुंह छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि श्रम विभाग के एक निष्ठ अधिकारी भी अवैध रूप से नीली बत्ती का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन के किसी अधिकारी का ध्यान इस ओर है। लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाना तो आसान है, लेकिन खुद इन नियमों का पालन करना शायद खुद अधिकारियों को नहीं भाता। यही कारण है कि सीएम सिटी में प्रशासन की नाक के नीचे कुछ अधिकारी आज भी बिना परमिशन अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। प्रशासन का ध्यान बेशक इस ओर ना गया हो, लेकिन मीडिया ने ऐसे अधिकारियों को जिला सचिवालय की चार दीवारी में काबू कर ही लिया। और जब उनसे अवैध रूप से लगी नीली बत्ती लगाने की परमिशन दिखाने को कहा गया तो अधिकारी बगले झांकने लगे। एक अधिकारी तो मीडिया को देखकर भाग ही खड़े हुए। बेशर्मी की हद तो तब होगी जब लेबर विभाग के एक अधिकारी, जिन्होंने अवैध रूप से अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगा रखी थी, ने मीडिया पर ही धौंस दिखाते हुए रोडवेज विभाग से बात करने की नसीहत दे डाली और हड़बड़ाहट में घर से ऑफिस पैदल आने की बात कही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दूसरों को नियमों का पाठ पढ़ाने और आम जनता का धड़ाधड़ चालान काटने वाली करनाल पुलिस को आखिर ये गैर कानूनी काम नजर क्यों नहीं आता। राजकुमार डीएसपी करनाल से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी लाल या नीली बत्ती लगाने का मुंह नहीं छोड़ रहे, उनके खिलाफ गैर कानूनी लाल नीली बत्ती लगाने पर कार्यवाही की जाएगी। मैं सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, ठीक है ना जी? आपकी गाड़ी में भी लगी हुई थी, मैं कह रहा हूँ मैं सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, ठीक है ना जी? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखता है इस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है देखना। किसी का मैं कह रहा हूँ सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बताएगा ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। जिस डिपार्टमेंट का काम है वो बताएगा। आप भी अधिकारी हैं? मैंने बता दी, मैं कैसे बताऊंगा? जिस डिपार्टमेंट का काम है वो डिपार्टमेंट बताएगा। गाड़ी तो आपकी? नहीं, मेरी कोई गाड़ी नहीं है। मेरी कोई गाड़ी नहीं। आपके डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी रहे हो? मुझे नहीं पता। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले वो डिपार्टमेंट देखेगा, जिस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट से पूछो कि मैं किस को परमिशन है, किस किस को नहीं। मैं कैसे बोल सकता हूँ? मेरी कोई गाड़ी नहीं। मैं अपने पैदल आता हूँ। मेरी कोई गाड़ी है ही नहीं। जब आपके कहने से हो जाएगी, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं। गाड़ी नहीं है? नहीं। लेबर डिपार्टमेंट में। आप किस पोस्ट में? इस बारे में जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अभियान भी चलाया जाता है और हम रेगुलर इसमें चेकिंग भी करते हैं, और कहीं किसी के बारे में अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसको हम स्पेसिफिकली देखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आई है तो हम चेकिंग के दौरान इसके मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान हैं उनकी पालना करने के लिए पाबंद है और करवाने के लिए भी पाबंद है। तो ये भी होता है कि परमिशन है तो उसको शीशे पे वो लगाए कम से कम तक? हाँ, अगर किसी अधिकारी के पास लाल या नीली बत्ती लगाने की परमिशन है तो उसको डिस्प्ले करना फ्रंट मिरर पे, रियर मिरर पे आवश्यक होता है। तो सर, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पुलिस के जो इंस्पेक्टर लेवल के हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं, वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस लिखवा लेते हैं और अवैध रूप से इस तरह की बत्तियां लगाते हैं। बारे में भी हम इनको सचेत कर रहे हैं कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल के ऊपर जो है इस तरह का कोई भी चिन्ह वो नहीं लिखवा सकते हैं। इसके बारे में भी विशेष जो है इनको सचेत। करनाल से हलचल टीवी के लिए केसी आर्य की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।